बोलो को रामरी मैया की। भगवती मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अब पेट पूजा का समय है, तो हर्षित भाई को लेके हम आए हैं लेक साइड होटल में। ठीक है, तो आपने कभी सोचा था कि पवन पहाड़ी के साथ आपको इतने 5-स्टार होटल में फ्री फोकर का खाने को मिलेगा? बहुत बार सोचा है। तो अपनी YouTube फैमिली के एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, सदस्य हैं, जो भी कह लो, तो ये फुली स्पॉन्सर्ड रहता है ना। ठीक है, तो ये है भाई लेक साइड व्यू। लेक तो मेरे को दिख नहीं रही है, शायद लेक बांझ पड़ गई है यहाँ पे। ये बैजनाथ के पास में, इसलिए लेक साइड व्यू इसको कहा जाता होगा। और सामने आप देखिए बिल्कुल खुला मैदान, हरे भरे घास के मैदान आप देख सकते हैं दोस्तों, और ऊपर बादल भी लगा हुआ है। वहां से होके हम आ रहे हैं, वहां पे है कोट भ्रामरी मंदिर। तो आप खाना खाते खाते भी मैया के दर्शन कर सकते हैं, आपका भोजन बिल्कुल सुपाच्य हो जाएगा आपके लिए। और ये हमारे दादा भी आए हैं यहाँ पे, दादा से भी आप मिलिए। दादाजी आपको भी ले लूँ थोड़ा सा ब्लॉग में? परमिशन लेनी जरूरी है भाई, प्राइवेसी है अपनी अपनी। तो ये हमारे दादा हैं, दादा खाना बनाते बनाते आए हैं हमारे दादा। फार में देखो कद्दू बढ़िया है, बैठा पाव होता है ना घर में। अरे ये पूरा होटल का अपना स्टाफ भाई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाना बाद में देंगे, पहले सेल्फी दो। तो दोस्तों लंच तो हमारा बैजनाथ में हो रहा है, पर रात्रि भोजन हमारा हर्षित के वहाँ होगा दोस्तों। और मेरे को ये डर लग रहा है कि हर्षित उसमें डायलॉग मार दे, तो कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे घर में फ्री फोकट में खाने? मैं तेरा मेहमान वाला हिस्सा हो रहा है, लेकिन दोस्तों हर्षित की फैमिली बहुत अच्छी है, ये अपना रिश्ते में भाई लगता है दोस्तों, और भाई से भी बढ़कर है। देखो दोस्तों मेरे साथ ऐसे घूम रहा है फ्री फोकट में, भाई नहीं होता तो घूम सकता था, नहीं घूम सकता था। ठीक है, तो वो बोलते ना भाई तेले तो जान हाजिर है, मैं जान तो हाजिर नहीं कर सकता, लेकिन इसको फ्री फोकट में घुमा सकता हूँ, खिला सकता हूँ। फिलहाल जान चाहिए भी नहीं, अभी खाना चाहिए। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद फिर हम सीधे जाएंगे देवल विचराल, जहाँ हर्षित भाई का घर है। ठीक है, वहीं फिर हम आपको मिलाएंगे आमा से। यस, वही आमा जिससे वीडियो कॉल करी थी, और वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाली आमा से हम मिलाएंगे। बहुत ही अच्छी लगती, बोलो इतनी छाव सरबट है ना। कितने साल की होगी तेरी आमा? आई थिंक 90 बार हो गई होगी ना, 90 या 91 चल रहा है, चल रहा है ना। उनसे बात करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, और जो बीच बीच में वो हिंदी बोलती है ना, आहा, मतलब पहाड़ी से ज्यादा उनके मुंह से हिंदी अच्छी लगती है। तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, और भद्रकाली मंदिर में वहां मेला भी है, तो माता भद्रकाली की मैं पुनः आपको दर्शन कराऊंगा। मजा आ गया रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में मजा आ गया, मजा आ गया। अभी बिल देख के भी मजा आया, खाने में कितना टेस्ट है। नहीं, खाना तो अच्छा होगा और बिल उससे भी अच्छा होगा। बिल उससे भी अच्छा, जो आपने बनना है। नहीं, और तो हमारा तो फुल्ली स्पॉन्सर्ड रहता है ना। वैसे में लगता कितना स्मार्ट हूं यार, देख रहा है तू भाई साहब। खूबसूरती की एक होता है ना पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर को पार करके पराकाष्ठा वर्ड होता है हिंदी में, जिसका मतलब होता है अंतिम सीमा। तो खूबसूरती की पराकाष्ठा हूं मैं। देखो मेरे नए नक्स देखो ना तुम, ये देखो साइड एंगल देखो, जॉ लाइन देखो, फेस देखो, हाय ये आप देखो। अब मैं उतना बना ठना भी नहीं रहता हूँ दोस्तों, बना ठना रहता हूँ बताओ हैं, बिल्कुल कोई सांस वाग नहीं। ये देखो ये टी शर्ट मेरी कब से चल रही है, ये जैकेट में मैंने कितनी वीडियो बना दी दोस्तों, उसके बाद भी खूबसूरती में कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं है। खूबसूरती हूँ, ब्याह वादे जाए कुछ खूबसूरती हूँ। हाँ, फिर चेहरे की नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, पता बहुत ही ज्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में ना। हो ब्याह होने दी भी पता लगा तो खूबसूरत अच्छा कभी तो अच्छी है, अभी देख रही होगी वो।
देख रही हो ना पहला फिल्म है बिरादे यदि साल बाद पतला होगा लोते हो खूबसूरती कौशल सी इज द लकीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड जिसको हम जैसे योग्य वर मिलेंगे एक योग्य वर ये भी हो रखा है दोस्तों तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बताओ जय श्री राम अभी कुछ नहीं चाहिए अभी कुछ नहीं कुछ चलो ठीक है अभी नहीं चाहिए लेकिन आज से चार साल बाद पांच साल बाद किस तरह की मतलब उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए तब तक आप खान जब तक खाना नहीं आता ऐसी टाइम पास करते क्या हो व्यवहार की अच्छी हो मेन चीज आती व्यवहार व्यवहार अच्छा हो हाँ और क्या क्या अच्छा होना चाहिए और खाना पीना बना लेती हो हाँ और क्या मेन तो यही दो चीज है देखो दोस्तों इसको इतना सोचने के लिए मतलब इसको इतना कहने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है अभी मैं अगर कैमरा ऑफ करूंगा ना ये क्वालिटी नहीं बताएगा ये कुछ और ही बताएगा समझ रहे हो तुम पानी आ चुका है दोस्तों भाई साहब आपका नाम सुंदर सिंह सुंदर भाई हमारे सुंदर भाई सुंदर तरीके से यहाँ पे कटोरे और गिलास लगाते हुए खाना वाना खाते हैं उसके बाद आपको बताओ अगर लॉकडाउन में आपके वीडियो नहीं होते बहुत से बीमार हो जाना था आधे लोग वो स्ट्रेस रिलीफ करता है स्ट्रेस लॉकडाउन घर वाले तो मतलब पागल छु यार कायल छु कसम से अरे वीडियो में डाल दिया 20 सब्सक्राइबर आई बढ़ मैं कभी कभी तो मेरा ऐसा होता था ना मोबाइल में फोन ऑन करने के लिए मोबाइल जब इसको घर लेके जाता हूँ तो हट दियो एक नई फोन दे दो तुम उन्हें का मेरे फोन कभी उसमें नेट नहीं होता जैसे मेरे फोन को यूज करते हैं ना मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके वीडियो के तो कायल है मतलब हमारे गांव में तो बस मतलब मत गांव नाम की बात छना पानी छना पानी छना पानी मतलब बागेश्वर से ऊपर छना पानी मेरा नाम सुंदर सिंह भंडारी हमारा पूर्वज जो रहते हैं ये धवलाशेरा में रहते हैं अच्छा धवलाशेरा देवल विश्राल का है अच्छा हमारे जो पूर्वज रहते हमारे जो मतलब अभी भी ब्रादर है धवलाशेरा में अच्छा अच्छा ओ दादी ठीक है अच्छा चलो ठीक छो आप करो अरे कुछ है वो कार्ड वार्ड होता है जो क्या है ये मेन्यू कार्ड भी आ चुका है मतलब भोजनावली हम इसको कह सकते हैं कि है बताओ ना हिंदी वाले नहीं ये तो पढ़ने में भी तो नहीं आ रहा होगा यही दिक्कत नहीं खाते हैं रोटी दाल सब्जी मतलब इतने बड़े होटल में रहेगा खाने देखो दाल रोटी है कुछ अच्छा अच्छा बोलना है यार पेट उसी से भरता है भले ही मंगाएंगे नहीं इसमें बोल तो दे वीडियो बन रही है अरे वहाँ तो क्राउड हो जाता है ना बहुत यहाँ से भाई थी यहाँ से कसम से कोई ऐसा नहीं था कि मतलब आपसे मतलब एक बार मतलब मिलने का बड़ा होता कोई नहीं अब मैंने आपका ब्लॉग बना दिया है ना वो दिखाना आपने घरवाली को भी दिखाना अब आप भी देखना अरे फोन हो फोन करो बिल्कुल फोन आ रही है अरे अच्छा अच्छा तुम आमा तुम फंसो तो भाई बस जग तक नहीं आते बाल बच्चे कितने हुए आपके दो बच्चे लड़का है अच्छा वाह बहुत बढ़िया है दोस्तों एक लंबी यात्रा के बाद एक थका देने वाली यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं हर्षित भाई के गृह क्षेत्र में जी हां अभी मैं हूं देवल विश्राल में और ये देखिए दोस्तों हर्षित भाई की पार्किंग यहां पे हर्षित भाई की धन्नो खड़ी होती है और एक दो लोगों की और है और ये नब्बूदा की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है और मेरी नट्टू भी यहाँ पे हमने लगा दी है दोस्तों फिलहाल हम रहे बानर कति क्या वाली डाल रहे तो यहाँ से नीचे को पैदल रास्ता है दोस्तों हम उसी रास्ते से पैदल पैदल जाएंगे इनके घर तक मैं स्मार्ट कितना हूँ यार देखना जबकि अभी बाल भी मेरे ऐसे बिल्कुल बैठ रखे हैं नीचे ये दरअसल आपका वहम है नहीं वहम नहीं है यार तुम खुद बताओ ना तुम खुद फैसला करो कि मैं स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ बताओ वो तो बाद में पता चल ही ना जाएगा यार बहुत स्मार्ट मम्मी ठीक कहती है कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में तुझे कभी है हर्षित भाई लोगों के घर पे मैं पहुंचने वाला हूँ ये इनका नया घर है पुराना घर अभी दिखाऊंगा दोस्तों आमा से मिलने को मैं अति उत्साहित हूँ रगड़ियो देखते हैं आमा मेरे को पहचान पाती है या नहीं पहचान क्या ही पहचानेगी वो भाई परसों तो रखी है आमा जय पहचान अमा नमस्कार
ठाक ठीक ठाक अम्मा नमस्कार पछाड़ नहाने पछाड़ो दे कोहुमी बताओ दे को बुद्धि बल्लभ बुद्धि बल्लभ का लड़का होगा को भाई बुद्धि बल्लभ कलापति के पिताजी ना ना उनका लड़का नहीं हूँ मैं कैलाश कैलाश पाठक जी का लड़का हूँ को भाई हूँ ना ना उधर दसौली अच्छा दसौली में नहीं गया शांति का पहचान है ना शांति का शांति मेरी लड़की होगा पवन नाम हूँ मेर पवन 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 इतने 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 बड़े सेलिब्रिटी को नहीं पहचान पा रही है हमारे यार ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है यही चल रहा थी कौन है नमो भगवते वासुदेव बंच बजाना बंची वाले ठीक है सो स्वीट हमारे कुशल ठीक है हमारी कुशल बात ठीक है आपकी तबीयत ठीक है तबीयत मामूली है बहुत साल हो गया हाँ। बुढ़ा हो गया मैंने सुना आजकल बहु सेवा नहीं कर रही है आपकी सेवा सब करती है अरे बहु काल बाल भी है पैर भी है गाय भी है खेती पाती सब करना हुआ बहू ने कहाँ कहाँ जाएगा हाथ तो दोनों हाथ तो दो ही है कहाँ कहाँ जाएगा बोल देखो इस उम्र में भी बहू की बड़ाई कर ली आजकल तो छोटी बहू भी आई है छोटी बहू भी तो आई है आजकल वो भी करती है घर काम रोटी बनाती चावल बनाती हाँ। सबसे अच्छी कौन सी वाली है बड़ी वाली है कोई नहीं है गंदी वाली ये आमा मेरे को कंटेंट नहीं देगी नहीं चाहे कुछ भी कर लो सब बोलो सर बस सौ बात की एक बात रामू माम का सर रामू माम रामू माम रामू होगा कहीं का जजमान घर में गया होगा जब जजमान कमा के लाएंगे तब तो रोटी खाएगा जब जजमान उसे कमा के लाएगा तब तो रोटी खाएगा वो सही बात सही बात अब आदमी यह रूम आमी यह रूम अच्छे भाई जा है खान जलाने क्या नहीं क्यों नहीं जा रोटी कौन नहीं देगा सही बात भुक्का तो नहीं मारना ने बहुत दूर बा आ रही हूँ मैं भूख लग गए भूख आ रहा है ऊपर है खाना वाले हाँ। कौन देगा खाना बहू देगी घरवाली देंगे खाना तो तुम पका दियो दे मेगी दूर बाट यार मैं कांबा पकूं या आज नहीं भाई हाँ। चूल्हे नहीं भाई हाँ। ओ, वही सब जगह ये बाहर आग पानी करेगा अब मंत्रों में ही बात कर रही है जजमानों के घर जाना होगा तभी दो रोटी आना होगा तो दोस्तों ये है हर्षित की आमा जो कि पहले भी ब्लॉग में आ चुकी है जब मैं कांडा कमशार क्षेत्र में घूमने आया था शायद आपने देखा भी होगा जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए उनको पता है तो बहुत स्वीट आमा है अभी अपने 90 के दशक में पहुंची हुई है उसके बाद भी मतलब ये मिनट मिनट में भूल जाती है मतलब लेकिन इनको अपने बच्चों के नाम बिल्कुल याद है ना माँ तो माँ है भाई ये है हमारी मानवी दोस्तों हर्षित की छोटी सिस्टर मतलब हर्षित के चाचा की लड़की मेरा नाम मानवी जोशी छू मैं अलमर में रहती हूँ और मेरे बाबू ने नाम अजीवन जोशी छू और मेरे इजक नाम गीता जोशी हम दी बहनी था बहुत बढ़िया बहुत यो को छू कितनी रोटी खा रहे हो मैं 18 रोटी खा रही हूँ 18 रोटी खा रहे हैं अच्छा सब्जी सब्जी हाँ दो रोटी खा रही हूँ अच्छा दूध दूध रोटी बतीसा अच्छा खाना कितने गिलास दूध पीते हो एक भैंस होगा हाँ एक गाय होगा अच्छा तो दोस्तों शाम के 8:30 बज रहे हैं और अभी आरती का समय है सी जी बैठे हुए हैं मानवी बैठी हुई है और हर्षित की माताजी बैठी हुई है ये आप देखिए इनका मायका हमारी वहाँ है दगड़ियों तो दो तरफ से हमारा रिश्ता लगता है तो आप मैया रानी का एक भजन सुनाने वाली हैं जी मैं
ये ब्राह्मी लिपि में मंत्र बोले जा रहे हैं। अभी तक कोई भी विशेषज्ञ इन मंत्रों को सुलझा नहीं पाया है। ये कौन है, पहचान रहे हो? कौन है ये? कौन है? बहू है, मेरा बहू। बहू है? कौन से नंबर की बहू है? अब मुंह नहीं दिखा। मुंह नहीं हो गया है। छह बहू हो गया। तो दोस्तों, दिन भर की जो थकान थी वो सारी दूर हो गई आमा से गपशप मार के। बहुत मजा आ रहा है आपको। तो मैं ऑन कैमरा बहुत कम दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अब जो रंगत यहाँ पे आ रही है ना, वो तो आप महसूस भी नहीं कर सकते। उसकी थोड़ी सी झलक आपको मिल रही है। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ठोक देना, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना हमारी आमा के लिए। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।